पहले मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आज यहाँ पर लेके आया और हमारे जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा मौका दिया ताकि मैं नूतन के साथ आगे अपने रिश्ते को बढ़ा सकूं। God bless the day when He gave me you. Every now and then, for a lifetime, I bless this day and cherish your faith in me. और जैसे कि अगर हम बात करें कि हम कैसे मिले, तो ये DCH का पहला गवाह इतिहास था कि 12-12-12 जब फर्स्ट टाइम DCH में स्ट्राइक हुई थी और हम लोग तो उस समय PTS पीरियड था, तो ऐसा हो रहा था कि सब कुछ हम लोग धरना वरना देने के बाद हम लोग एक मल्टीपर्पज़ हॉल में बैठे थे, फिर हुआ वहाँ एक गेम टूथ एंड डेयर, तो उस समय काफ़ी लोग थे तो मैंने लिया डेयर, तो मुझे ये डेयर मिला कि तुम्हें जो यहाँ पर पसंद है उसको जाके प्रपोज करके आओ। तो अब मैं एकदम से डर गया, मैंने कहा क्या करूँ कैसे करूँ, फिर पता नहीं अंदर से कैसे हुआ मैं सीधे जाके नूतन के पास ही डाउन गया, नी डाउन हुआ और उसका हाथ पकड़ा इन द फ्रंट ऑफ उसके सारे सीनियर्स थे, मेरे सारे सीनियर्स थे और मैं PTS में था, तो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कि पता नहीं कि क्या बोलूं मैं क्या करूं, तो मैंने उसको बोला कुछ नहीं, ऐसे ही जो भी था मजाक था। फिर शाम को हम लोग चैपल में मिले, चैपल में कॉम्पिटिशन की तैयारी चल रही थी, उसके बाद हम लोग का उसने आई, वो आई मुझसे, उसका चेहरा एकदम था जैसे कि वो रो देगी, फिर मुझसे पूछती तुमने जो बोला सही बोला, मैंने कहा नहीं वो एक मजाक था। उस दिन से हमारी बातें फिर धीरे 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 चालू हुई, फिर हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर वैलेंटाइन डे आया, वैलेंटाइन डे 15 फरवरी को मैंने उसको प्रपोज किया, तो उसका रिएक्शन ये था कि ये तुमने क्या बोल दिया, मैं तो तुम्हें एक नॉर्मल दोस्त समझती थी, तुम पहले ही एक ऐसा लड़के थे जिससे मैंने दोस्ती करी, लेकिन तुम भी ऐसे ही करोगे मुझे पता नहीं था, ऐसा बहुत सारी बात हुई हमारे बीच में। फिर फाइनली उसने जाके एक्सेप्ट किया और तब से लेकर के आज तक हम लोग साथ हैं। सब चीज़ में हमने प्रभु को आगे रखा और आज हमारा रिश्ता आगे बढ़ रहा है, जितने भी डाउन अप्स थे वो ख़त्म हुए, आज हम एक होने वाले हैं, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। और अगर बात करें कि शादी की, तो अभी तक तो मैं बैचलरिस था, अभी तक भी बैचलर ही हूँ, इसके एक दो घंटे बाद मेरा जो मैरिज लाइफ है वो चालू हो जाएगी, और मैं यही दुआ करूँगा, आप सबसे भी यही दुआ करूँगा कि हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और स्पेशली नूतन को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उसने बहुत सारी कमी थी मेरे अंदर, बहुत सारी बातें थी जो उसको पसंद नहीं थी या फिर दूसरों को पसंद नहीं थी, जो मुझे इम्प्रूव करनी थी अपने अंदर, उसने उसमें मेरा सपोर्ट किया, उसने मुझे बताया समझाया, साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, सब कुछ मेरे साथ ही, उसने मेरे को हिम्मत दी और मैं इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उसके लिए भी, थैंक्स बोलता हूँ कि वो इतने अप एंड डाउन्स में भी वो मेरे साथ थी और आज हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं, इसके लिए भी मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसके मर्ज़ी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मर्ज़ी थी तभी आज हम यहाँ पर आए हैं और हमारा रिश्ता आगे बढ़ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी शादी है। इस दिन का इंतजार सबको रहता है, मुझे भी था और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा काम जो परमेश्वर की योजना थी उसके बाद आज होने जा रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। Greater than all we see, greater than all we ask.
और मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो इस मैरिज में हैं और जो किसी भी रीति से इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और मैं इस खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में, पर मैं सबसे पहले परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में एक ऐसी योजना बनाई और मुझे संसार में लाया कि मैं आगे यही चाहूंगी कि परमेश्वर जो भी उनकी योजना है वो मेरे जीवन से पूरी हो और मैं उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करती जाऊँ।